हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर। मींस लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि नॉर्मल थ्रस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है और ये बेसिकली कहाँ से आता है, और रेडियल शेयर क्या होती है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है और कहाँ से आता है। सो अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसके ऊपर प्रॉब्लम बेस्ड कर रहा हूँ। थ्री हिंज आर्च को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है। बोला गया है अ थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च, एक पैराबोलिक आर्च हैज स्पान ऑफ 20 मीटर, उसकी स्पान जो है वो 20 मीटर है। तो एक थ्री हिंज आर्च है, दैट मीन कि आप थ्री इंच आर्च बना लीजिए, पहले पैराबोलिक है तो ये हो गया आपका थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च। उसकी स्पान आपको दी हुई है, वो स्पान दी है एल 20 मीटर, 20 मीटर, एंड आपको इसकी राइज दी हुई है जिसको आप एच बोलते हैं, वो राइज भी दी हुई है जो कि है 5 मीटर, 5 मीटर, राइट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका हो जाएगा सी। और इसके बाद बोल रहा है कि इट कैरी अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 20 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द लैप टॉप ऑफ द स्पान। दैट मीन कि सी पॉइंट जो होता है उसके इस तरफ का जो होता है वो लैप टॉप होता है और सी के इस तरफ का जो होता है वो राइट हाफ होता है। तो ये बोल रहा है कि लैप टॉप मतलब यहां से यहां तक ये एक यूडीएल कैरी कर रहा है और वो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, राइट। इस पे लग रहा है कुछ इस तरीके से, इस पे लग रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। और उसके बाद बोल रहा है कि ओवर द लैप टॉप द स्पान एंड द पॉइंट लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन 5 मीटर फ्रॉम राइट एंड, और राइट एंड से, ये राइट एंड है, इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड लग रहा है 120 किलो न्यूटन। यहां से वो जो डिस्टेंस होगी वो 5 मीटर, दैट मीन यहां से भी कितनी हो जाएगी 5 मीटर, बिकॉज टोटल 20 है तो सेंटर से हाफ ये 10 हो जाएगा, वो भी 10 हो जाएगा, इधर लिखते थे 10 मीटर, 10 मीटर, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। और इसके बाद बोल रहा है कि एंड फाइंड द बेंडिंग मोमेंट, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पर फाइंड आउट करना। फिर बोल रहा है कि नॉर्मल थ्रस्ट भी निकालना है, फिर बोल रहा है कि रेडियल शेयर भी निकालनी एट अ सेक्शन 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इसका मतलब यहां से लेफ्ट एंड से 4 मीटर की डिस्टेंस पे आपको ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी बताना या बेंडिंग मोमेंट बताना, नॉर्मल थ्रस्ट भी बताना और रेडियल शेयर भी बताना, यहां से 4 मीटर। तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व करेंगे उसकी हम बात करते हैं। तो ये कंडीशन आपके सामने है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट ऑलवेज, जैसे मैंने आपको पहले के नुमारिकल्स में भी बोला है कि अगर आर्चेस की बात चल रही है तो कभी भी याद रखिएगा कि सबसे पहला स्टेप उसका होगा रिएक्शंस कैलकुलेशन, जिसमें हम वर्टिकल रिएक्शन निकालेंगे और उसकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालेंगे। तो सबसे हम पहले निकाल लेते हैं इसकी रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा हमारा वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन निकाल लेते हैं, राइट। तो वर्टिकल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो होता है ए पॉइंट, इसके ऊपर एक रिएक्शन ऐड करेगी जिसको आप वीए बोल दीजिए, ये वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए हो जाएगी। इसी तरीके से बी पे एक हिंज है, एक वर्टिकल रिएक्शन यहां लगेगी जिसको आप क्या बोलेगा, बी बी बोल दीजिए। और वर्टिकल रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, हम मूवमेंट ले लेते हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस का वी ए इंटू 20 माइनस 20 इंटू 10 इंटू 10 बाई 2 प्लस 10 एंड माइनस 120 इंटू 5 इक्वल 0, ये कंडीशन बनेगी। कैसे बनेगी, मैंने बोला बी के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, मतलब बी पे खड़े हो जाइए, यहां से वीए लगेगा ऊपर जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज लगेगा, प्लस का वीए इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा वीए इंटू 20। उसके बाद यहीं खड़े रहिएगा, ये 20 का यूडीएल लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब ऐसे घूम के आएगा एंटी क्लॉक, दैट मीन माइनस कितने का है 20 टू 20, और यूडीएल के केस में क्या लेते हैं, लोड इंटू डिस्टेंस बाय 2, तो 20 का लोड इंटू डिस्टेंस कितने पे लग रहा है, 10 पे लग रहा है, तो डिस्टेंस 10 इंटू डिस्टेंस बाय 2, तो 10 बाय 2। बट डिस्टेंस बाय 2 कहां तक आएगी, वो सी तक आएगी, बट आप किसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हो, बी के, तो ये और आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस 10 और आ जाएगा, और फिर यहीं खड़े रहेगा, ये 120 का भी लोड जा रहा है नीचे की तरफ, मतलब एंटी क्लॉक होके आएगा,
माइनस 120 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी बी से वो 5 होगी, तो माइनस 120 इंटू 5 इक्वेट करेंगे 0 से, और यहां से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको VA की वैल्यू मिलेगी, और वो VA आपके पास आ रहा है 180 किलो न्यूटन, ये VA की वैल्यू आपके पास है। अब इसी तरीके से आपको निकालनी है वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी, मतलब VB। तो VB के लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, ए के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप ए के अबाउट मूवमेंट लीजिए, वीबी घूमेगा एंटी क्लॉक माइनस वीबी इंटू 20, फिर ये 120 घूमेगा क्लॉकवाइज, 120 इंटू ये डिस्टेंस, और 20 घूमेगा क्लॉकवाइज, तो 20 इंटू 10 इंटू 10 बाई 2 ये डिस्टेंस, और इक्वेट करेंगे 0 से वीबी आ जाए। और अगर आपको क्लियर है कि आपकी वीए रिएक्शन बिल्कुल सही निकली, आपने एक बार क्रॉस चेक कर लिया, जैसे मेरे को चेक है कि वीए आप नहीं सही है, तो आपका दूसरा तरीका ये भी है कि आप वीबी निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपके पास टाइम अगर कम है तो। वीबी कैसे निकल सकता है, वीबी निकालने के लिए आप क्या करिए, टोटल लोड माइनस वीए कर दीजिए, वीए कर दीजिए, तो वीबी कैसे निकलेगा, टोटल लोड, टोटल लोड कितने का है, 20 इंटू 10 का, ये डाउनवर्ड लग रहा है, 20 इंटू 10 पे लग रहा है, और प्लस 120 वो लग रहा है, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, प्लस 120 कितना हो जाएगा 320, 320 में से माइनस कर दीजिए VA को, VA कितना था 180 किलोमीटर, तो 320 में से जब 180 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 बचेगा, दैट मीन की VB की रिएक्शन कितनी है 140। तो आप ऐसे भी वर्टिकल्स जो सेकंड वर्टिकल रिएक्शन है उसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या आप एक अबाउट मूवमेंट लेके ना चाहें तो एक अबाउट मूवमेंट लेके भी निकाल लीजिए। तो अपन ने सेकंड तरीके से निकाली है और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये वर्टिकल रिएक्शन निकल गई, अब इसके बाद हमें सेकंड निकालना है इसकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बताया, इससे पहले नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कराए मैंने आपको, और क्या बोला है कि मैं बी के अबाउट लेके निकाल सकता हूं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, नेवर। क्यों नहीं निकाल सकता, बिकॉज अगर मैं एच यहां पे लगाऊंगा, एच मेरा इधर ऐसे लगता है, एच ए होगा, और एच भी मेरा इधर ऐसे लगेगा, और डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ की लेनी है, क्यों, क्योंकि लोड ऊपर से लग रहा है ना, तो आर्च ऐसा है, जब लोड ऊपर से लगेगा तो ये फैलेगा बाहर की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या करेंगे, उसको रोकेंगे, तो अंदर की तरफ लगेंगे ऐसे, इसलिए मैं इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन ये रखता हूं। तो आप इसको निकालने के लिए मैं बी के अबाउट मूवमेंट नहीं ले सकता, बिकॉज एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी, उसी पर्टिकुलर लाइन पे तो लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ बढ़ेगी नहीं। तो हमेशा एच निकालने के लिए किसके अबाउट मूवमेंट लेते हैं, सेंटर हिंज के अबाउट, मतलब सी के अबाउट, तो लिखेंगे यहां पे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी, कहां से, राइट हैंड साइड से लेता, राइट हैंड से ले लेता आरएचएस, तो क्या होगा, माइनस का वीबी इंटू 10 प्लस का एच बी इंटू 5 प्लस का 120 इंटू 5 इक्वल्स यू, ये कंडीशन बनेगी एच, कैसे बनेगी, मैंने सी के अबाउट मूवमेंट लिया और कहां से लिया, राइट हैंड साइड से, इसका मतलब मैं यहां से देख रहा हूं कहां तक के लिए, यहां तक के लिए, इसका मतलब मैं सी पे खड़े होकर इस तरफ देख रहा हूं, तो यहां पे जब मैं खड़ा हूं तो मेरे को क्या देखेगा, ये वीबी लग रहा है, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक, तो माइनस वीबी इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी 10, तो मैंने क्या लिखा, माइनस वीबी इंटू 10, उसके बाद मैं यहीं पे खड़ा हूं, मुझे लगेगा ये एच लग रहा है, कैसे जाएगा, ऐसे घूम के आएगा, तो क्लॉक वाइज एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 5, तो मैंने लिखा एच वी इंटू 5, और यहीं खड़े रहेगा, ये 120 का लोड लग रहा है, क्लॉक वाइज जाएगा 120 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, ये 120 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी तक ये वाली, तो ये कितनी है 5, ये 5 दी हुई थी, तो ये हो जाएगी 5, इक्वेट करेंगे 0 से और कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से जो एच निकल के आपके पास आएगा, एच जो आएगा, वीए की वीबी की वैल्यू आपके पास पता है 140 रख दीजिएगा इसकी जगह, राइट, एच भी निकालना है, और 120 टू 5 ये सब पूरा कैलकुलेट होकर इस तरफ जाएगा और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये कितना आएगा 160 किलो न्यूटन एच। और मैं आपको पहले भी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स में ये बोल चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में जितना एच ए होता है
उतना ही एच भी निकलता है, उतना ही एच होता है। दैट मीन कि ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सारे के सारे 160 क्यों होंगे, बिकॉज यहां से सारी की सारी डाउनवर्ड लोडिंग, जितनी भी डाउनवर्ड लोडिंग होगी यहां से जितनी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगी उसको बैलेंस करने के लिए यहां से भी उतनी, कम ज्यादा नहीं होगी इसी, ये सब बराबर हो। तो आप उसको एच ए बोल दीजिए, एच बी बोल दीजिए, लेफ्ट हैंड से निकाल लीजिए, राइट से निकाल लीजिए, वो आपस में क्या होगी, हमेशा बराबर। ये कब बराबर नहीं हो सकती, जब अगर इसमें कोई इंक्लाइंड लोड लगा दो तो उसके वजह से रिजॉल्व होकर हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि एच बी ज्यादा हो जाए, एच ए कम हो जाए, अदरवाइज हमेशा ये वर्टिकल लोडिंग के लिए सेम है, राइट। तो यहां पे हमारी रिएक्शंस निकल गए। अब हमसे क्या क्या पूछा है इसने, हम उसके ऊपर जाते हैं। तो इसने जो हमसे पूछा है, सबसे पहले हमसे पूछा हुआ है कि इसने यहां से 4 मीटर की डिस्टेंस पे आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मूवमेंट बताना है, रेडियल शेयर बताना है और नॉर्मल थ्रस्ट बताना है। तो हम चलते हैं अब अगले स्टेप पे, स्टेप नंबर 2 पे, जिसमें हम निकालेंगे मूवमेंट, राइट, सेक्शन 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है, या पॉइंट ए, ए पॉइंट से निकाल। तो उसके लिए अगर मैं सेक्शन ड्रॉ करता हूं तो कुछ सेक्शन ऐसा बनेगा, यहां से मेरे को एक्स की वैल्यू होगी ये 4 मीटर, ये वाई मुझे पता नहीं है, ये लोडिंग लग रही है 20 किलोन्यूटन/मीटर की, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको डी बोल देते हैं। डी पे मुझे कैलकुलेशन करना है, यहाँ से ये वी ए लगेगा और यहाँ ये एच ए लगेगा और यहाँ पे मुझे डी पॉइंट पे निकालना। तो मूवमेंट निकालना है, तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा मूवमेंट एट पॉइंट डी इज एम डी। तो एम डी की कंडीशन क्या बनेगी, MD मतलब D पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे, तो D पे खड़े हो जाइए, यहां से ये VA घूमेगा क्लॉकवाइज ऊपर जा रहा है, मतलब क्लॉक घूमेगा, VA इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, X इसी पॉइंट पे खड़े रहिए, H घूमेगा एंटी क्लॉक, माइनस H इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Y ये Y डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, और ये लोड जाएगा नीचे मतलब एंटी क्लॉक, तो माइनस 20 इनटू X इनटू X बाय 2 चलाइए। तो ये एम डी की कंडीशन बनेगी, मूवमेंट एट पॉइंट डी कैसे बनेगा, तो मैंने बोला डी पॉइंट पे खड़े हो जाइए, और सबसे बेस्ट तरीका है कि सेक्शन काट के फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए सबसे पहले। इसमें देखेंगे ना तो कंफ्यूज होने लगेंगे, कहां से लोड लेनी है, कहां से डिस्टेंस लेनी है। तो हमें दिया है ना कि यहां से 4 मीटर का सेक्शन काटना है, तो ये 4 मीटर का सेक्शन काट के अलग सेपरेट बना लीजिए और डी पॉइंट पे आके खड़े हो जाइए। तो यहां से ये वीए लगेगा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्लॉकवाइज वीए इनटू ये डिस्टेंस एक्स, एच लगेगा ऐसे, तो एंटी क्लॉक, एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई, और डी पे खड़े हैं तो ये लोड भी लग रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस में, माइनस यूटेल में क्या लेते हैं, लोड इंटू डिस्टेंस बाय 2, तो लोड 20 इंटू डिस्टेंस एक्स इंटू एक्स बाय 2 हो जाएगा। अब इसमें मुझे एक्स तो पता है, एक्स कितना है मेरा 4 मीटर, लेकिन मुझे वाई पता है क्या, नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि पैराबोलिक आर्च के केस में जो y होता है वो किसके होता है, 4h by l square x l minus x के बराबर होता है। तो यहां से मैं y निकाल सकता हूँ, y equal 4, h कितना दिया, h मतलब सेंटर राइज जो होती है 5 मीटर दी हुई है, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, l square, l कितना दिया 20, ये दिया हुआ है 20, तो l मतलब 20 का स्क्वायर कर देंगे, x यहाँ पे दिया है 4, फिर l दिया है 20 माइनस 4, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से y जरूर मिल जाएगा, और वो वाई मिल रहा है 3.2 मीटर, दैट मीन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3.2 मीटर के बराबर। यहां पे आपको एक्स दिया हुआ है तो वाई डायरेक्ट निकल जाए, नहीं दिया रहता तो आप एक्स के टर्म में उसको लेके चलते हैं, पहले एक्स निकालते हैं फिर जाके मूवमेंट निकलता है, बट यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 है तो पुट करके सीधा वाई निकाल लीजिएगा। अब इसमें पुट कर देते हैं तो एम डी मिल जाएगा, एम डी इक्वल हो जाएगा वीए, वीए वर्टिकल रिएक्शन अपन ने ए पॉइंट पे निकाली थी 180 किलो न्यूटन इंटू एक्स, एक्स है 4 माइनस एच ए, एच ए भी अपन ने निकाला 160, एच ए और एच बी बराबर होगा, वाई, वाई आपके पास है 3.2 माइनस 20 इंटू एक्स है 4 इंटू एक्स बाई 2 मतलब 4/2 ये डिस्टेंस। तो यहां से अगर मैं एम डी को कैलकुलेट करता हूँ मूवमेंट एट पॉइंट डी, तो ये पूरे कैलकुलेशन को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मूवमेंट एट पॉइंट डी मिलेगा, एम डी जिसको आप बोलेंगे वो मिलेगा 48 किलो
न्यूटन मीटर के बराबर। ये आपका मोमेंट हो गया एट पॉइंट डी। तो हमसे एक चीज बोली थी कि डी पॉइंट पे हमें मोमेंट निकालना है, हमने डी पॉइंट पे मोमेंट निकाल दिया। और इसके बाद हमसे पूछा है रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट। तो अब जो स्टेप नंबर थ्री में हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट। सो नाउ स्टेप नंबर थ्री, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर की बात करेंगे, राइट। सो नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि बेसिकली ये निकलता कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में बता चुका। लेकिन इसके लिए आप क्या करिए कि बेसिकली आपसे ये पूछा कहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे बोला गया यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पे और ये वाई डिस्टेंस, उस पॉइंट पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको रेडियल शेयर नॉर्मल थ्रस्ट निकालनी है। तो उसका सबसे पहले क्या करिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, वो क्या होगा, ये आपका ए पॉइंट है, यहां से ये आपका पैराबोलिक आर्च आ रहा है और ये जो डिस्टेंस है यहां से 4 मीटर में, और ये अभी हमने लास्ट स्टेप में निकाला था, ये जो डिस्टेंस आई थी वो 3.2 मीटर आई, जिसको आप वायर बोल, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपकी एक ये लोडिंग लगी हुई है 20 kN/m की। ए पॉइंट पे यहाँ एक वर्टिकल रिएक्शन होगी जो VA थी, जो कि निकली थी आपकी 180 kN, और यहाँ पे आपकी रिएक्शन थी H, या H जिसको बोलेंगे आप, जो कि 160 kN थी। तो आप लिख लीजिए 160 kN, राइट। और ये पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आपको निकालना है रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कभी भी रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट जब निकालते हैं तो सबसे पहले आप एच को बैलेंस करते हैं, तो एच ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो डी पॉइंट पे इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगेगा जिसको आप एच डी के नाम से जानते हैं। ये डी पॉइंट जो एच ए को बैलेंस करेगा, और इसी तरीके से वी ए लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसको आप वी डी बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप इसको वीडी लगा लीजिए इसके ऊपर और एसडी लगा लीजिए, और किस पॉइंट पे, डी पॉइंट, जिस पे आपको ये सारी कैलकुलेशंस करनी। और फिर क्या करिए, अब आपको नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर निकालना है। तो मैंने आपको पीछे ही फॉर्मूले बताए थे कि जो नॉर्मल थ्रस्ट होता है, नॉर्मल थ्रस्ट जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, एचडी कॉस थीटा प्लस वीडी साइन थीटा से, ये आपका नॉर्मल थ्रस्ट मिल जाएगा आपको। इससे ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे आएगा। और इसी तरीके से अगर आपको रेडियल शेयर निकालना है जिसको आप आरएस बोल सकते हैं, तो रेडियल शेयर के लिए मैंने कंडीशन बताई थी वो होती है एचडी साइन थीटा माइनस वीडी कॉस थीटा, इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग थी इसलिए यहां पर माइनस में फॉर्मूला आपका। दैट मीन कि अगर मेरे को नॉर्मल थ्रस्ट निकालनी है तो मुझे सबसे पहले एचडी पता होना चाहिए, फिर मुझे वीडी पता होना चाहिए, प्लस मुझे ये थीटा पता होना चाहिए। अगर मुझे आरएस निकालना है, रेडियल शेयर निकालना है, इसमें भी मुझे एचडी पता होना चाहिए, वीडी पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। तो जब तक मुझे ये तीनों वैल्यू नहीं पता होंगी मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकता और मैं नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर नहीं निकाल सकता। दैट मीन कि सबसे पहला मेरा टारगेट होगा इन वैल्यूज को निकालना। तो एचडी निकालना तो बहुत आसान है, बिकॉज मैंने बोला था कि एचडी आपस में क्या करता है, बैलेंस करता है। यहां से एच जितना लगेगा उतना ही एचडी होगा, मतलब एचडी इक्वल होगा एच ए के, और ये आपने पास कितना था 160 kN के बराबर, तो एच डी तो निकल गया। ये बहुत सिंपल होता है, सिर्फ जो एच आपने निकाला है उसी के बराबर। फिर आपको क्या निकालना है, वीडी। तो वीडी के लिए समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो की कंडीशन लगाते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि जितने भी फोर्सेस होंगे उनका जब समेशन करेंगे वो इक्वल टू जीरो होगा। तो जितना भी डाउनवर्ड या वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको ले लेते हैं, तो जो जो फोर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनको प्लस ले लीजिएगा, जो नीचे जा रहे हैं उनको माइनस ले लेते हैं। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए, सबसे पहले यहां से चलना शुरू करते हैं, VA कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसका मतलब इसको ले लीजिए प्लस का VA। उसके बाद क्या करेंगे, VA के बाद आप आगे गए 20, कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, ये 20 कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, तो क्या लेंगे माइनस, कितना 20 इंटू कितने पे जा रहा है 4, क्योंकि यूडीएल में लेते हैं लोड इंटू डिस्टेंस लोड के लिए, और मूवमेंट जब लेना रहता है तो डिस्टेंस बाय 2 भी कर देते। इसके अलावा वीडी भी नीचे जा रहा है, मतलब माइनस वीडी, इक्वेट कर दीजिए 0 से। इसके अलावा वर्टिकल फोर्स है क्या, एक वीए लग रहा है ऊपर की तरफ, 20 जा रहा है नीचे की तरफ और वीडी जा रहा है नीचे की तरफ, इसके अलावा कोई वर्टिकल फोर्सेस नहीं है, तो इक्वेट करिए 0 से। वीए आपने कितना निकाला था, तो वीए वहां पे लिखा है आपका 180 था सॉरी, ये प्लस का है, माइनस 20 इंटू 4
और माइनस वीडी, वीडी को उस तरफ ले जाइए, वीडी निकालना है आपको, तो यहां से आपका वीडी कैलकुलेट हो गया जाएगा 20 × 4 कर दीजिए 80 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना बचेगा 100, इसका मतलब बचेगा 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, और ये वैल्यू आपके पास आई पॉजिटिव, राइट। तो वीडी भी आपका निकल गया। अब इसके बाद मेरे को और क्या चाहिए, थीटा और चाहिए, तो थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं स्लोप की कंडीशन लगा, स्लोप क्या बोलता था ये याद है ना आपको, टेन थीटा इक्वल क्या होता है डी वाई डी एक्स, टेन थीटा इक्वल क्या होता है डी वाई डी एक्स, और वाई इक्वल यहां पे क्या होता है 4h बाय एल स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स के बराबर। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4 इक्वल 4h बाय एल स्क्वायर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाई को इसकी जगह पुट कर दो तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा डी बाय बाय डी एक्स 4h बाय एल स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर का, और इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टेन इनवर्स 4h बाय एल स्क्वायर एज इट इज, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, मतलब l माइनस 2x के बराबर, तो इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स 4 का 4, h की वैल्यू कितनी दी हमारी 5, l कितना दिया है 20 का स्क्वायर, 20 माइनस 2 इंटू एक्स दिया है 4, तो जब थीटा यहां से निकालोगे तो थीटा निकल जाएगा, पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा टेन इनवर्स करके आप थीटा निकाल दीजिए, तो यहां से जब पूरा थीटा आपका कैलकुलेट होके आएगा तो वो कितना आएगा, वो आपके पास ये पूरी वैल्यू आ रही होगी पूरी कैलकुलेट करके 0.6 आएगी, तो इसको कर लीजिएगा टेन इनवर्स, ये पूरी वैल्यू आ रही है 0.6 के बाद, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो और इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल आपकी वैल्यू आएगी 30.96, इतना आपका थीटा आ रहा। तो सबसे पहले मैंने बोला कि रेडियल चेन नॉर्मल थ्रस्ट, आपको अगर फॉर्मूले याद है तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, आपने सिर्फ कंडीशन क्या करी, सबसे पहले बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आए, यहां से एच लग रहा है वहां से एच लगा दिया, यहां से वीए लग रहा है वहां से वीडी लगा दिया, फिर आपने क्या किया फॉर्मूले लेके एसडी और वीडी निकाल लिया, एसडी निकालना सिंपल है, वीडी निकालना भी बिल्कुल सिंपल है, ये तो फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में पढ़ते थे समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी टू इक्वल टू जीरो, तो समेशन ऑफ वी करना है सिर्फ और कुछ नहीं करना, और फिर थीटा निकालने के लिए बस क्या करना है पैराबोलिक आर्च की कंडीशन लगानी है, बिकॉज ये पैराबोलिक आर्च है और पैराबोलिक आर्च में y इक्वल 4h बाय l स्क्वायर x l माइनस x होता है, और हमें पता है कि स्लोप की एक कंडीशन होती है कि tan थीटा इक्वल डीवाई डी एक्स होता है, तो यहां पे हमने इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करके आपका थीटा निकाला, और सारे टर्म्स हमारे पास है तो हम एंटी और आरएस निकाल सकते हैं, तो अगर मेरे को एंटी निकालना है नॉर्मल थ्रस्ट तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, एचडी एचडी कितना है मेरे पास 160, उसके बाद कॉस थीटा, थीटा कितना है मेरे पास 30.96, उसके बाद प्लस वीडी, वीडी मेरे पास कितना है 100 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 30.96, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा मुझे एंटी मिल जाएगा, तो एंटी जो आएगा इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद वो आ रहा है नॉर्मल थ्रस्ट 188.64 किलो न्यूटन, 188.64 किलो न्यूटन जो है वो नॉर्मल थ्रस्ट डेवलप हो रहा है आपके आर्च में ए पॉइंट से 4 मीटर के डिस्टेंस पे, अगर वो डिस्टेंस 5 मीटर हो जाएगी तो हो सकता है कि ये वैल्यू कुछ और आ जाए, 6 मीटर हो जाएगी तो कुछ और आ जाए, राइट एंड पे चला जाएगा तो कुछ और आ जाए, तो किसी भी पॉइंट पे पूछा जा सकता है, किसी भी एंड से पूछा जा सकता है ये वैल्यू आपकी वैल्यू, तो अभी जो नॉर्मल थ्रस्ट आ रहा है वो आ रहा है 188.64 किलो न्यूटन। इसी तरीके से अगर मैं रेडियल शेयर निकालना चाहूं तो मैं रेडियल शेयर भी निकाल सकता हूं, ये फॉर्मूला लगा के HD मेरा वही रहेगा 160, उसके बाद है मेरा साइन थीटा, थीटा मेरा वही रहेगा 30.96, और माइनस VD, VD मेरे पास है 100, और कॉस थीटा मेरा वही रहेगा 30.96। जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहां से जो रेडियल शेयर कैलकुलेट होके आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास -3.442 किलो न्यूटन, ये आ रहा है मेरा रेडियल शेयर, ये आ रहा है मेरे पास रेडियल शेयर 3.44 किलो न्यूटन के बराबर मेरे पास आ रहा है रेडियल शेयर। तो इस तरीके से आप रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट निकाल सकते हैं,
किसी भी 3 इंच पैराबोलिक आर्च में। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 2 इंच आर्च के लिए, फाइंड आउट करेंगे रेडियल्स या नॉर्मल थ्रस्ट। थैंक यू।